a digital magazine. So ClapClap has been an amazing page. If you want to know about the social media industry, all about the digital plus. It's started by my very dear friend Karishma. So looking forward to what ClapClap is going to do next. And digital life के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? Nowadays the reels are getting viral. Digital life आपके digital world आता है तो आप सबसे पहले क्या सोचते हो? अब digital world जब दिमाग में आता है तो future ही आता है, because जब after 2020 हम सबको समझ में आ गया था काफी चीजें हैं जो जाके नहीं कर पाते हैं, traditional way में नहीं कर सकते हैं, so हर किसी को digital होना जरूरी हो गया है. And it's a future, like हर जगह everything is gonna be digital somehow. एनीथिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट, क्या कुछ सॉन्ग या फिर रील्स, कोई नई रील्स आने वाली है आप लोग की तरफ से? बहुत बड़ा चीज़ आने वाला है, आप सबको, आप भी एक्साइटेड हो जाओगे. एंड किसके साथ आने वाला है वो एनीथिंग है, गेस कर लेना. बट 2023 में आपको मेरा एक अलग साइड, अलग जॉनर देखने. यू जस्ट सॉ द मूवी अवतार, हाउ वाज इट? कुछ अगर बताना चाहो अवतार. बहुत बहुत अमेजिंग मूवी है, कितने सालों बाद आई है तो पूरा जिसने भी वेट किया है इट वॉज वर्थ द वेट. लंबी मूवी है पर एक भी सेकेंड आपको ऐसा लगेगा कि बोरिंग है या नॉट वर्थ है. इट्स अमेजिंग, द विजुअल्स, एवरीथिंग, स्टोरी लाइन. अतरंगी गेस्ट, मैं बोलूँगा फॉरेन गेस्ट, अब्दू बिग बॉस के घर पे है, आप देख रहे हो क्लिप्स, क्या कुछ बताना चाहो? मुझे तो अब्दू बहुत क्यूट लगता है, पहले जब भी हम उनसे मिले थे इट वाज सो क्यूट. एंड जब मिले थे अब्दू तब वो थोड़े शाय थे, तो वो इतना बात नहीं करते. और बिग बॉस में आने के बाद उनका वो चाला ब्रो, जो वेरी चाला, ये तो बहुत वायरल हो गया. सो वो तो बहुत ही प्यारे हैं एंड मुझे बहुत पसंद है. इसके अलावा बिग बॉस फॉलो कर पा रहे हो आप? फॉलो तो नहीं, मतलब काफ़ी क्लिप्स और देखती हूँ. तो मैं स्टैन को पहले से, मतलब आई नो हिम नॉट पर्सनली बट आई नो अबाउट हिम, एंड दैट्स व्हाई मुझे बहुत ताकि एम सी स्टैन क्या करने वाले में देख रहा है. सो आई एम रियली एंजॉय वॉचिंग हिम अब्दू. बट क्या कई हद तक आपको लगा जो एम सी स्टैन बाहर जो दिख रहे उनका उतना कुछ प्रभाव नहीं दिख रहा है घर पे? आई थिंक एक आर्टिस्ट होता है, उनका एक कम्फर्ट जोन होता है, सबका एक अलग अलग होता है ऑफ यू नो बीइंग विद अदर्स. कोई कोई इंट्रोवर्ट्स होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं. तो आई थिंक वो अभी धीरे धीरे शायद जो जैसे है वो वैसे है. वो इज स्वीट, आई थिंक इज वेरी स्वीट. ऐसा लगता था ना बहुत ज़्यादा कि वो नहीं, आई थिंक इज वेरी स्वीट. और नगमा, क्रिसमस आने वाली है, न्यू ईयर आने वाला है, और क्या कुछ विशेष दर्शकों को देना चाहो? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी का जो 2023 है वो हर साल से बेटर जाए इंशाल्लाह. मे गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, गुड हेल्थ एंड व्हाटएवर यू वांट, लॉट्स ऑफ सक्सेस टू यू. थैंक यू. थैंक यू. डन भाई.